आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। जामिया नगर नगर स्थित महबूब अली के आवास पर भारतीय किसान यूनियन भारत के किसानों का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबित मलिक पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा फूल माला डालकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों के विभिन्न मुद्दों को उठाया और साफ शब्दों में सरकार को चेतावनी दी कि किसानों का जो भी समस्या है उसे जल्द से जल्द समाप्त करें, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कुछ नए कार्यकर्ताओं को जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें महबूब अली को प्रदेश महासचिव के पद पर, वहीं मास्टर उम्मेद को मंडल अध्यक्ष, नसीम अंसारी को मंडल महासचिव, फिरोज को जिला सचिव, नाजिम राणा को नगर सचिव, फुरकान को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और साथ ही सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों से किसान संगठन से जुड़कर चलने की बात कही गई। वहीं समस्त नव नियुक्त कार्यकर्ताओं ने किसान हित में कार्य करने की बात कही। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सबित मलिक ने कहा कि संगठन के कुछ पुराने पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं, लेकिन वे अब भी अपने आप को संगठन का हिस्सा बताकर लोगों व प्रशासनिक अधिकारियों को धोखा देकर गलत कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे पदाधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर वे अब भी हमारे संगठन का गलत इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। ऐसा है, ये रूटीन बैठक थी हमारी, लगातार बैठक होती रहती है, लेकिन इस बैठक में आज विशेष था। कुछ पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है जो संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रमोशन दिया गया है, और कुछ जो नए चेहरे थे जो अभी सदस्य थे उनको पदाधिकारी बनाया गया है। हमारे महबूब जी हैं जो पहले मंडल उपाध्यक्ष थे, इनको प्रदेश सचिव बनाया गया है, और हमारे उम्मेद भाई हैं जो ग्राम अध्यक्ष थे, इनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। नईम जी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सरफराज जी को वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है, और ये सभी लोग जो हैं मंडल सचिव रात दिन संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको इनकी मेहनत का फल ये दिया गया है। कुछ कार्यकर्ता आपके जो है पूर्व थे जो संगठन का नाजायज दुरुपयोग कर रहे थे, उनके द्वारा आपके द्वारा उनको बर्खास्त किया गया, कौन कार्यकर्ता किस तरीके से? कुछ कार्यकर्ता थे जो संगठन के नाम पर वसूली कर रहे थे, लेकिन उनको संगठन से बर्खास्त कर दिया गया था बहुत पहले। वो अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संगठन के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर उनको कहीं भी इस तरह का संगठन का नाम यूज करते हुए पाया जाता है तो मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा और सबसे करूंगा कि उन लोगों के नाम उजागर करें और उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं संगठन में तो जो चले गए, अगर वो दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन पर एक हमने कमेटी भी आज बनाई है, जो कमेटी उन पर जाँच करेगी कि कौन कौन लोग हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनके आगे नाम आपको जल्दी उजागर कर दिए जाएंगे अगली बैठक में। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आम जन और पब्लिक नहीं जान पाती, क्यों लोग हैं? एक दो नाम बताइए आप जो आपके संगठन का दुरुपयोग कर रहे हैं। संगठन के हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके लिए आज एक विशेष बैठक की गई थी और एक कमेटी भी बनाई गई है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो नईम जी रहेंगे कमेटी।